नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 24 न्यूज में। दोस्तों, कोरोना वायरस की फिलहाल कोई भी दवा नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ही कोरोना वायरस की दवा बताई जा रही है। ऐसे तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया का ड्रग्स है, लेकिन इसे कोरोना वायरस में भी इफेक्टिव पाया गया था। लेकिन अचानक से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से मरने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 देशों के 3,500 कोरोना मरीज को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी थी। ये ट्रायल सफल नहीं हुआ, इसमें मरने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ गई, इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और लेकिन इस ट्रायल में तीन और दवा थी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेडिकल रिसर्च में दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर द लैंसेट ने यह दावा किया है कि भारत की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस में इफेक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया में कई लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कि ये चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्राज़ील ने यह साफ कर दिया है कि हम इस दवा का यूज़ करेंगे, हमें इस दवा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इंडिया में भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिया के कोरोना वायरस का आंकड़ा दिया और रिकवरी रेट भी दी गई है। इंडिया की रिकवरी रेट करीब 48% है, मतलब लगभग 50% लोग इस दवा के वजह से इंडिया में ठीक हो रहे हैं। अगर इंडिया में इस दवा के वजह से 50% लोग ठीक हो रहे हैं, तो फिर फॉरेन में इस दवा से मौत कैसे हो रही है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। दोस्तों, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये बहुत ही बड़ी साजिश है चीन की। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे में जो देश कोरोना वायरस की वैक्सीन को ढूंढ के निकालेगा, उस देश का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इस दवा को पूरे दुनिया में बेचेगा और हाई प्राइस में बेचेगा। ऐसे में इंडिया की ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा काफ़ी सस्ती है और इससे इंडिया को ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि दुनिया की 70% यानी 70% हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंडिया में ही बनाई जाती है। तो अगर ये दवा इफेक्टिव पाया जा रहा है, तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा, इकोनॉमी उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, जो चीन को खटक रहा है। इसलिए चीन ने ऐसा दावा किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कि आप ऐसी अफवाह फैलाइए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन ऐसा कर सकता है, और क्या सच में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा इफेक्टिव नहीं है, या तो फ्यूचर में हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, इसको लेकर चीन दुखी हो रहा है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चीन का ये दावा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले अमेरिका ने भी निशाना साधा है कि ये सिर्फ चाइना के लिए काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के लिए नहीं है। मैं ICMR से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बताए कि ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, क्या हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा से कोई नुकसान है, ये ICMR रिसर्च करके ज़रूर बताए। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर भरोसा करना इस समय सही है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इंडिया इज़ ग्रेट कमेंट में लिखना न भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँचे कि किस तरह चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमारे भारत की इकोनॉमी को रोकने के लिए ये प्लान बना रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।